का जिनका हमारा पहले से ध्यान है, नहीं तो फिर ये उसी पर बोलते रहेंगे। देखिए बरवाला विधानसभा में, पंचकुला विधानसभा में बरवाला की सीवरेज की बात तो मैंने बताई थी, गांव की वो हमने क्लियर कर दिया। एक बरवाला का सूची पहले किया मैंने, आते ही वही से शुरू के दीवार बरवाला का सीवरेज बनेगा, उसमें तालियां बज गई, आपने सुना नहीं चाहता। पहले सिमरन की बात बरवाला की गई थी ना, कहीं और थोड़ी थी, नहीं नहीं कर दिया शुरुआत की, वहां से की। एक समस्या आपकी अवैध खनन की पूरे ब्लॉक में, और इसमें कई गांव ऐसे हैं जहां की ये हमारे पास शिकायतें भी हैं, जिसकी हम निर्धारित इंक्वायरी भी करा रहे हैं। बल्कि 3 दिन पहले एक शाम टोका कोर्ट का रहने वाले के 2-3 बजे हमारे पास आए थे, डीसी के पास गए थे और बाकी जगह गए थे, हिस्सा वो बंद किया था, सुनवाई बंद कर देना। उसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा चेक करो कि अगर 1 मीटर की उनकी खुदाई के लिए परमिशन है तो 1 मीटर रहेगी, अगर 3 मीटर की परमिशन उनको मिलती है तो 3 रहेगी, 3.5 मीटर नहीं खोल सकते। मुझे ये भी पता है कि कुछ गांव में 10-10 मीटर गहरे भी चले गए, ये जानकारी है। दूसरा, जो किसी का अपना खेत है या उसका मकान है, उससे जितनी दूरी निश्चित है कि वो 15 फुट या 20 फुट की दूरी है, कि उसके अंदर वो नहीं खनन कर सकते, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि आपके मकान को या पड़ोस वाले खेत को कहीं किसी का नुकसान ना हो। तीसरा, जिनका खनन होता है उनको जो पैसे मिले वो तो मिलेंगे, पैसे भी मिलते हैं उन किसानों को जिनके लिए हमरे नहीं मिले, मिलते हैं दो दिन आगे पीछे मिलेंगे, वो गारंटी हमारी है कि कोई खनन वाला खनन करेगा तो पैसा देगा, नहीं देगा तो हम पकड़ेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो सरकार का पैसा लेता तो किसान का भी देगा, और डिप्टी कमिश्नर इस बात को इंश्योर करें कि खनन वाले और किसानों का जिनका एग्रीमेंट है उनके साथ उनको पैसे तुरंत दे, बल्कि सबसे पहले किसानों का दे फिर सरकार का दे। इसका अगर मान लो कहीं एम्बिग्यूटी है तो उसको दूर करें। मालूम है मैं इसीलिए शीशे को ले रहा हूँ अपने आप, 100 फुट जितने खैर के पेड़ थे ना वहाँ एक भी नहीं छूट गया, कम से 5 एकड़ वहाँ तहस नहस कर दिए गौना नदी पर। उसके बाद उसी पैसे को एक फंड होता है फॉरेस्ट के पास, उस पैसे से नए पेड़ लगाने का काम भी वो करते हैं। जमीन जो है जहाँ खनन है इसके अंदर जो एरिया है ऊपर का 3-4 फुट का जो एरिया है वो किसान के पास होता है, उसकी उपजाऊ के। इसी के साथ बोरलोड टिम्बर ये चलते हैं, इस पर भी पुलिस जिला कार्रवाई करेगी। कोई बोरलोड टिम्बर चलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोरलोड टिम्बर से एक तो सड़कें टूटती हैं, दूसरा एक्सीडेंटल चांस ज्यादा होते हैं ओवरलोड के काबू से बाहर हो जाता है, ड्राइवर के बाहर, और तीसरा उसकी जो मिट्टी उड़ के वहां जो वातावरण को खराब करती है, जो एयर क्वालिटी को खराब करता है वो भी उसी में से होता है। अगर जितना टप्पर का बॉडी है उस बॉडी के अंदर भर करके ले जाए ओवरलोड ना चलाए, एक बारी पुलिस। तो
देखिए तीन चार बातें हैं खनन के लिए या और लोग ट्रकों के लिए, ये हमारे पहले ध्यान में है। और मैं तो तीन दिन पहले जो ये जानकारी मिली कि तीन चार और फर्म जो है उन्होंने अप्लाई कर रखा है इस साल, तो हमारे स्पीकर साहब भी बहुत चिंतित रहते हैं बातों पर कि और ये जो खनन करते इतना गहरा, और कई बार तो बरसात में थोड़ा घट भी जाता है, कई बार तो बरसात में भी पूरी मिट्टी ऊपर से रेत आता नहीं पत्थर आता है। मानो आदमी नहीं भी जा सकता तो ड्रोन इमेज से हमारे पास डाटा आ जाएगा कि कितना गहरा उन्होंने खोदा है, ड्रोन से पता चल जाता क्या एक खोटा है, एक घर एक मीटर है, दो मीटर है। यहाँ पर पूरा खनन हो रहा है, 10 फुट की परमिशन में 100-100 फुट खोदा जा रहा है, उसकी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद में बरवाड़ा में गए थे और मुख्यमंत्री जी ने हमारी शिकायत को सुना भी और समझा भी। जब मुख्यमंत्री जी को मैंने बोला कि पूरा इलाका बर्बाद हो चुका है, हम नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो कह रहे हमें पता है तो आप हमें इससे छुटकारा दिलाइए, हमारी तो ये रिक्वेस्ट थी। उन्होंने उसी समय उपायुक्त महोदय को बोला है कि एक लोकल बंदियों कमेटी बनाकर और प्रशासनिक अधिकारियों कमेटी बनाकर हर महीने इसकी जाँच यह करेगी, 10 फुट से ज़्यादा कहीं भी खनन की परमिशन न दी जाए, जो भी जहाँ भी जितना गलत हो रहा है खनन उसका प्रॉपर तरीके से कार्रवाई की जाए, अगर कार्रवाई नहीं करता तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को आदेश उसी समय दे दिए तुरंत वहीं पर। बाकी हमारी पुनः पत्रकार महोदय और सोशल मीडिया जितना भी है सबके तरफ से एक प्रार्थना है कि आप जितना भी खनन हो रहा है, जितने भी पंच सरपंच हैं, सभी इसका खुलकर विरोध करें, कहीं भी आप रोक टोक सकते हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि आप लोग खुद भी निरीक्षण कर सकते हो इस चीज़ का, तो आप लोग इन सभी इलाकावासी इस चीज़ को पूछ सकते हैं, क्योंकि भुक्तभोगी हम हैं, हम भुगत रहे हैं, जितना भी इलाके में नाश हो रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो भी खनन के नुकसान हो रहे हैं, जिसका खेत गिर रहा है, स्कूल तक के घर तक की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं इस खनन की वजह से, तो आज यही विचार है जी वहाँ पर। और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करूँगा जो उन्होंने कमेटी के लिए आदेश दिया।